ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक और बारामूला जिले के रफियाबाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वांटेड आतंकी की तलाश के लिए इनाम की घोषणा कर दी। सुमामा उर्फ इलियास उर्फ बाबर ये एक पाकिस्तानी आतंकी है और लश्कर ए तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है। ये पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं को धर्म के नाम पर बरगला कर उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती करने और उन्हें आतंकी गतिविधि में फंसाने का काम करता है। ये आतंकी सोशल मीडिया का सहारा लेकर भोले भाले युवाओं को आतंकवादी रैंकों में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है, और तो और आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा जुटाने और पैसा पहुंचाने के लिए कश्मीरी युवाओं का वो इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पाकिस्तानी आतंकी को ढूंढने के लिए इसकी फोटो सहित तमाम जानकारियां लोगों से शेयर की है। इस आतंकी पर 3 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है। लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी के पास भी इस पाकिस्तानी आतंकवादी के बारे में कोई भी जानकारी है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित करे। ये फोन नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो इस नंबर को डायल कर पुलिस तक जानकारी पहुंचाएं। ईमेल भी दिया गया है, ईमेल के जरिए भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सही सूचना देने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान को भी पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। आपको बता दें, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए एक अभियान चला रखा है, जिसमें स्थानीय युवाओं को बरगलाने और आतंकी संगठनों में भर्ती करने वालों का पता लगाया जाता है। इस अभियान के जरिए पहले भी कई आतंकी और उनके मददगारों की धरपकड़ की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।